मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत सोभी डुमरा गांव में विगत रात्रि अज्ञात बदमाशों के द्वारा एक घर में आग लगा दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच छानबीन में जुट गई है। इस घटना में एक मवेशी की मौत हो गई है और दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। वहीं घायलों का इलाज आरा सदर अस्पताल में चल रहा है। दस बजे एक पर एक पूरा भम भम सब लहक गई। एक बाद में हम उठा नहीं, सुते रहे। गाय के बचावे में हम भी जर गए। ये कैसे आग लगा? आग लगल बटे ऐसा ही आप रूपी लग गई बटे लगा गया है, पर दो आदमी भागल। यानी कि कोई आ करके आग लगाया? आग लगाया। आपको किस पर शक है या किसी से कभी विवाद उवाद हुआ हो? हाँ शक है। कौन? अब कहब। सारा मेरा गांव जैसा है, समझिए कि मैं एक गांव का ही लड़का हूँ। मुझे सुबह सुबह सूचना मिली कि भाई आग लग गई है और काफ़ी क्षति हुई है। आप देखिए गाय भी बेचारे का डेथ कर गई है और दो भैंस अपना खूंटा तुला के कहीं भाग गई है। सब आग से बचाव में उसका भी कहीं आता पता नहीं है। इनका झोपड़ी जल गया, झोपड़ी में रखा हुआ सामान जल गया, अनाज जल गया, काफ़ी क्षति हुई है। उसी को देखने के लिए हम आए हैं। और एक चीज़ है, हमारे भोजपुर जिला में आरा सदर प्रखंड की स्थिति इतनी ख़राब है कि उसका कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। आप पता कीजिए, सुबह से हम लोग लगे हुए हैं, अभी तक यहाँ कोई कर्मचारी नहीं आया और ना ही अंचलाधिकारी आए। अंचलाधिकारी से लगातार प्रयास करने के बाद भी उनका फ़ोन जो सरकारी नंबर होता है वो नहीं लग पा रहा था। यहाँ का स्थानीय मुखिया है, छोटू बेचारा रखे थे कोई प्राइवेट नंबर उनका, उस नंबर पे बात हुई। और यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो ब्लॉक के सर्किल ऑफिसर भी हैं, सर्किल इंस्पेक्टर भी हैं, मगर उदासीन रवैया है। इस तरह की घटनाओं में भी आरा सदर प्रखंड का, और यह दुर्भाग्य है कि हमारा आरा ब्लॉक बगल में रहते हुए मात्र 5 किलोमीटर पर आग लगती है और वहाँ से एक चपरासी तक झांकी मारने नहीं आता है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है भोजपुर जिला पर। जो भी सरकारी मदद इनको मिलना चाहिए, हम इनके मुआवजा की मांग करते हैं कि भाई ये तीन भाई हैं, तीनों भाई का अनाज पशु सारा इन लोग का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिला प्रशासन से ही मांग करते हैं कि एक उचित मुआवजा इस गरीब परिवार को दिया जाए और हम लोग भी देखेंगे आगे सामाजिक स्तर से कैसे इन लोगों को मदद करना।